शुरुआत में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों को उनके फ्यूनरल के लिए तैयार करने का काम करता है, ताकि वे लोग अपने फ्यूनरल पर बिल्कुल तैयार और जिंदा जैसे दिखाई दें। जिसके बाद में एलियट उसका फोटो लेता है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम एना और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को बेड में देखते हैं, जहाँ पर पॉल तो एंजॉय कर रहा था लेकिन एना थोड़ी सीरियस थी। पॉल एना से उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ठीक से कुछ भी नहीं बताती है, और पॉल उसे आई लव यू कहता है लेकिन वो उसका भी रिप्लाई नहीं करती। अब एना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, जहाँ पर जैक नाम के एक बच्चे से उसकी अच्छी जमा करती थी, लेकिन जैक थोड़ा अजीब बच्चा था। और हम देखते हैं कि एना अपने स्कूल में कुछ अजीब अजीब एक्सपीरियंस करती है। एना को स्कूल खत्म होने के बाद में अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था, और वो जैक को बाहर देखती है। वो उससे पूछती है कि वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन जैक उससे कहता है कि उसकी माँ उसे लेने आ रही है। जिसके बाद में एना फार्मेसी से कुछ टेबलेट्स लेती है और पार्लर से अपने बालों को रेड कलर में डाई करवाने के बाद में वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुँचती है, और उसे यहाँ भी कुछ अजीब फील होता है, जैसे उसने अपने पियानो टीचर की लाश को सांस लेते हुए देखा है। एना अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी जिससे एलियट भाप लेता है। अब शाम को पॉल ने एना को डिनर पर बुलाया हुआ था, और वो वहाँ पर उसे एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करने वाला था, और रेस्टोरेंट में उसके ऊपर रेड वाइन गिर जाती है। पॉल एना को बोलता है कि वो शिकागो जाने वाला है, और उसके प्रपोज करने से पहले एना और उसकी लड़ाई होती है, और वो पॉल की पूरी बात सुने बिना वहाँ से तेज बारिश में अपनी गाड़ी को लेकर चल देती है। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था, और एना चलती गाड़ी में अपना फ़ोन निकालकर नंबर डायल करती है, और इतने में एक ब्लैकआउट के साथ में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलियट के पास एक नई बॉडी आई है जिससे उसे रेडी करना है, और ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि एना की थी। एलियट एना के कपड़े कैंची से काटता है, और अंदर एना ने एक बहुत खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी हुई थी। एना के सिर पर एक गहरा घाव था, और अचानक एना की आंखें खुलती है। वो एलियट से पूछती है कि वो कहाँ पर है, और एलियट उससे कहता है कि वो 8 घंटे पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, और ये बस उसकी बॉडी है। लेकिन एना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो बोल सुन और देख सब कुछ सकती थी, और इसीलिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जो कि हॉस्पिटल से दिया गया था, और बताता है कि उसका 2 दिन के बाद में फ्यूनरल है, और वो तब तक उसकी आत्मा उसकी बॉडी में रहेगी, और उसकी बॉडी दफनाने के बाद में वो भी चली जाएगी। एलियट को गिफ्ट के रूप में एक शक्ति मिली है जिसमें वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं से बातें कर सकता है, और वो उन्हें दफनाने तक उनके ट्रांजिशन में मदद करता है। बस एलियट ही है जो कि एना को यहाँ पर सुन सकता है, और ये कहकर एलियट वहाँ से चला गया था। लेकिन एना को लग रहा था कि ये बस एक डरावना सपना है। पॉल अपने घर में था, उसे नहीं पता था कि एना मर चुकी है। वो उसके नंबर पर कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन एलियट के पास में था, और एलियट पॉल के फ़ोन को काट देता है। और हम देखते हैं कि एलियट अपने रूम में एना के बारे में उसके पियानो टीचर से बातें कर रहा है जो कि अभी हाल ही में मर गया है। जिसके बाद में पॉल एना के घर पहुंचता है, जहां पर उसे एना की माँ से पता चलता है कि एना की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जिसे सुनने के बाद में पॉल अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियट एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और वो एना के घावों को टाके लगा रहा था, लेकिन एना को उसका ज़रा भी दर्द नहीं होता। और एलियट एना के गले में एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी बॉडी की मसल्स रिलैक्स्ड रहे। और फिर एना की मॉम आती है वहाँ पर एना को देखने, और वो वहाँ पर आके कहती है कि जाने वाले तो चले जाते हैं और उनके बाद उनका परिवार परेशान होता है। और वो जाते जाते ये भी कहते हुए जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दें, क्योंकि लाल बालों में एना बिल्कुल भी नहीं ठीक लगती। जिसके बाद में एलियट ऊपर अपने ऑफिस में होता है, और वहाँ पर पॉल पहुँचता है एना की बॉडी को देखने के लिए, लेकिन एलियट उसे नहीं मिलने देता, क्योंकि बस फैमिली मेम्बर्स ही डेड बॉडी को देख सकते थे, और पॉल की एंगेजमेंट एना से नहीं हुई थी। पॉल की आवाज़ सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और उससे आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती। फिर पॉल के जाने के बाद में एना एलियट से पूछती है कि उसने पॉल को उसके पास क्यों नहीं आने दिया, जिस पर वो कहता है कि उसकी आत्मा जल्दी उसका शरीर छोड़ देगी, लेकिन अगर वो अपने चाहने वाले से अटैच रही तो वो वहीं पर फंसकर रह जाएगी। एना को ये लग रहा था कि वो मरी नहीं है, और एलियट ने उसे ड्रग दिए हैं जिससे कि उससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर पॉल अपने फ्रेंड टॉम से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, और एना से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे उसकी परमिशन नहीं मिलती। और यहाँ पर फ्यूनरल होम में एना अकेली थी,
वो एक कैची को उठाकर आगे बढ़ती है और वो वहाँ पर दूसरी लाश को देखकर घबरा जाती है। फिर वो इंतज़ार करती है एलियट के आने का ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके, लेकिन एलियट एना के इस हमले से बच जाता है और एना को कन्विंस करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर रात के समय एना एक सपना देखती है जिसमें वो उस बूढ़ी लेडी को देख पा रही थी, लेकिन एना तो मर चुकी थी, वो सपना किसे देख सकती थी। और वो उठकर सभी सामान को यहाँ वहाँ फेंक देती है। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉल को एक बड़ा अजीब सपना आता है जिसमें एना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुई है और ये देखकर पॉल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ पर एलियट एना के पास था और वो अपनी कार में फ्यूल डलवाने जाने वाला था, लेकिन चुपके से एना उसकी जेब से फ्यूनरल होम की चाबी निकाल लेती है और एलियट के जाने के बाद में वो वहाँ का गेट खोलकर एलियट के ऑफिस में जाकर वहाँ के टेलीफोन से पॉल को फ़ोन करके उसे बताती है कि वो जिंदा है। लेकिन पॉल को ये लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ में मजाक कर रहा है और वो फ़ोन को वहीं पर कट कर देता है। एना बहुत नाराज़ होती है और इतने में एलियट वहाँ पर पहुँच चुका था। वो एना को आईने में खुद को दिखाता है और बताता है कि वो मर चुकी है और उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन हम ये देखते हैं कि एना के सांसों से आईने पर भाप जम जाती है जिसे एलियट चोरी छुपे साफ कर देता है। और जैक जो कि पास से निकल रहा था वो नीचे से खड़ा खड़ा खिड़की में से एना को देख लेता है। एना अभी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मर चुकी है और वो अब एलियट का साथ दे रही थी। एलियट एना के बाई की रेड डाई को निकालकर उसे फिर से ब्लैक डाई करता है, जिसके बाद में एना सपने में पॉल को देखती है, लेकिन वहाँ पर असल में एलियट था और वो एक पुलिस ऑफिसर के भाई की बॉडी को रेडी कर रहा था उसके फ्यूनरल के लिए। फिर एना एलियट से पूछती है कि क्या उसकी माँ उसकी मौत पर रोई, जिस पर एलियट उसे बताता है कि उसकी माँ उसकी मौत पर बिल्कुल भी नहीं रोई। एना फिर एलियट से पूछती है कि क्या पॉल उसकी मौत पर रोया, जिस पर एलियट उसे झूठ कह देता है कि पॉल भी उसकी मौत पर नहीं रोया, जिसे सुनने के बाद में एना बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर एलियट उसे ड्रग इंजेक्ट कर देता है। अब पॉल एना के स्कूल से एना की चीज़ें लेने गया था, जहाँ पर उसे जैक बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में लाल ड्रेस में खड़ा हुआ देखा है। लेकिन पॉल को ये सारी बातें बकवास लगती है और पॉल जैक को वहीं पर थप्पड़ मार देता है, जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता है। इधर फ्यूनरल होम में हम देखते हैं कि एलियट सभी डेड बॉडीज के फोटोज़ क्लिक करके रखता है और तभी वहाँ पर उस दूसरी डेड बॉडी का भाई पहुँचता है बॉडी को रेडी देखने के लिए, और वहाँ पर एना की बॉडी में हरकत होती है जो कि कोई भी नोटिस नहीं करता। अब जैक बार बार फ्यूनरल में जाया करता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता है, और एलियट को ये बात पता लग गई थी और वो जैक को कहता है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा जो जो उसने सीखा है। पॉल जैक की बात को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि एक्सीडेंट वाले दिन एना ने अपनी ड्रेस के अंदर रेड ड्रेस पहनी हुई थी और जैक ने उसे रेड ड्रेस में ही देखा था, तो ये भी हो सकता है कि जैक सही कह रहा हो। पॉल तुरंत फ्यूनरल होम जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एना जिंदा है, जहाँ पर एलियट जैक की बातों को झुठला देता है और कहता है कि जैक एक छोटा सा बच्चा है जो कुछ भी कह देता है। लेकिन पॉल उसकी बातों को नहीं मान रहा था और फिर एलियट उसे पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। फिर पॉल पुलिस स्टेशन में टॉम से मिलता है और कहता है कि शायद एना जिंदा है, उसे कोई ड्रग दिया गया होगा। और फिर वहाँ पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइड्रोनियम ब्रोमाइन से किसी की भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। लेकिन पॉल के पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था और पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब यहाँ पर एना के फ्यूनरल की पूरी तैयारियाँ हो रही थी। एलियट उसे बातें कर रहा था कि उसे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए था, और एना उसे कहती है कि वो बस खुश रहना चाहती थी लेकिन प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार बस दुख देता है। एना पॉल से प्यार करती थी लेकिन कभी उसे कह नहीं पाई, और एना को एक अजीब विजन आता है जिसे देखने के बाद में एना सोचती है कि इतनी दुख की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि वो मर गई। और अब एना के फ्यूनरल की पूरी तैयारियाँ हो गई थी, और हम देखते हैं कि एलियट उसे वही ड्रग देता है जो कि उस पुलिस ऑफिसर ने पॉल को बताया था। एना एलियट से कहती है कि वो आखिरी बार खुद को आईने में देखना चाहती है, और आईने में फिर से उसके सांसों की भाप जम जाती है, जिससे कि एना समझ चुकी थी कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, और एलियट उससे अभी तक झूठ बोल रहा था। एना कुछ कर पाती इतने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी।
एलियट उसे ड्रग का इंजेक्शन दे देता है और फिर वहाँ पर सभी लोग एना को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पर पॉल उसे इंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जिसके बाद में एलियट एना की फ़ोटो भी दीवार पर सबके साथ में लगा देता है और फिर एना को दफनाया जाता है। लेकिन एना जिंदा थी और एना अपने कॉफिन के अंदर से ही चिल्ला रही थी। फिर रात के समय पॉल बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था और वो एलियट से कहता है कि वो जानता है कि एना जिंदा है, जिस पर एलियट पॉल को जवाब देता है कि हो सकता है कि एना अभी भी जिंदा हो और अपना कीमती समय बर्बाद न करे और वो उसे जाकर बचा ले। जिसके बाद में पॉल भी बिना समय बर्बाद करे एना के पास में कब्रिस्तान के लिए निकलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था और एक फ्लैश के साथ में ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और इधर भी एना अंदर से अपनी कब्र को खोद रही थी, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और एना को कब्र से जिंदा बाहर निकाल रहा है, लेकिन असल में पॉल भी एलियट के सामने टेबल पर था और एलियट पॉल को भी बताता है कि वो भी एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन एना की तरह पॉल को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। और फिर एलियट एक बड़ी सी रॉड को पॉल के सीने में घुसाकर उसकी ये आवाज़ भी बंद कर देता है और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसमें एलियट नाम का एक आदमी ये दावा करता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा से उन्हें दफनाए जाने तक बातें कर सकता है। और एक दिन एना भी एक्सीडेंट के बाद उसके पास आती है, जो कि ये विश्वास नहीं करती कि वो मर चुकी है। और एलियट उससे हमेशा कन्विंस करता है कि वो मर गई है और बस उसकी बॉडी में उसकी सोल बची हुई है, जो कि उसे दफनाए जाने के बाद में चली जाएगी। लेकिन एना अपनी सांसें महसूस कर लेती है और उसे पता लग जाता है कि वो जिंदा है और एलियट उसे अभी तक बेवकूफ बना रहा था। अब सवाल ये उठता है कि एना के साथ में ऐसा कौन करेगा। तो जैसा मूवी में बताया गया है कि एना की मॉम को नहीं पसंद था कि एना पॉल के साथ में रहे, इसीलिए उसी ने ही शायद ये षड्यंत्र रचा होगा। एलियट एना की बॉडी को पैरालाइज रखता था, लेकिन एलियट को भी इसका पछतावा जरूर होता होगा और वो इसीलिए पॉल को उसे बचाने जाने को कहता है। लेकिन पॉल बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में जाता है उसे बचाने के लिए और वो एना को बचाने से पहले खुद ही एक्सीडेंट में मर जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोज़ जल्द ही आने वाले हैं।